पढ़ाया था ना, अच्छा, हाँ अच्छा, उसका क्या आशु? जी वो नंबर वगैरह याद कर रहे होंगे सर, ना। वो रफली अभी लिखा था जितना है उसने। ना, हाँ एक रफ हाँ बेसिक है, हाँ वही हाँ बेसिक जो है ना शुरू में मिलना चाहिए, तब एक फ्रेशर आगे पढ़ सकता है, मेरा ऐसा मानना जी सर। है ना। इतना सा बेसिक, वरना बेसिक तो बहुत कुछ है। हाँ और सर वो ज्यादा अच्छे से लिख के ही याद होगा, नहीं, वो बिना लिखे होते ही नहीं ना। सर रटने से भूल जाएंगे। देखो ज्योतिष के लिए प्लैनेट कौन सा चाहिए, केतु। केतु को क्या चाहिए, राइटिंग, जी सीधा सा क्लियर फंडा है केतु। एस्ट्रोलॉजी के लिए केतु चाहिए, और केतु को चाहिए राइटिंग। जब तक आप नहीं लिखेंगे वो तब तक आपके याद दिमाग में नहीं। सेट होनी है, कट कर देगा, जी सर, है ना। वो एक सुना होगा ना, 100 बका एक लिखा, लिखे को कोई नहीं काट सकता। जी सर, केतु जो प्लैनेट है कट करने का काम करता है, लेकिन लिखे को कैसे काटेगा वो, समझ गए। और जी सर, एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट कौन है, केतु, जी इसीलिए लिखना जरूरी है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। नहीं सर। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कौन सा प्लैनेट केतु ही काम आता है, या और भी कोई ग्रह उसके साथ एस्ट्र देता है? मैं बता रहा हूँ, टीवी देखने के लिए क्या जरूरी है, कुछ टीवी देखने के नहीं, लिए? कुछ हाँ, नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है, घूमने के लिए अच्छा कुछ नहीं, मोबाइल बात है। गुरु चलाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन किताब खोलने के लिए क्या है जरूरी। कुछ तो जरूरी है जब मजबूर करती किताब खोलने में, ठीक जी, है। हम तो रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन यदि एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव आया है, मतलब आपकी अंतरदशा महादशा आपसे कह रही है कि ये काम करो, क्योंकि ये काम आपके जीवन चक्र में शामिल होगा। अब आपने उस काम को कितनी गंभीरता से कर लिया, ये इंपॉर्टेंट। तो प्लैनेट देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि मेरी कुंडली में ऐसा प्लैनेट होगा तभी मैं एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की कोई शौक विशेष तो, विद्या सीख जाए हम, समझ हाँ सही बात है। गया। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो आप इस फील्ड में आई इसीलिए, मैं बताया ना, टीवी देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, कोई फोर्स नहीं करता हम, मोबाइल देखने के लिए भी कोई फोर्स नहीं करता, घूमने के लिए भी सर कोई फोर्स शौक नहीं तो करता है, काफी, लेकिन ये काम भी हम स्वयं कर रहे हैं। आपके घर में किसी ने नहीं सर बोला इंटरेस्ट तो वापस, काफी सालों से था। हाँ नहीं सर, वो इंटरेस्ट तो काफी सालों से था, हाँ इंटरेस्ट पर क्यों आया वो मैं बता मतलब रहा ना, ज्यादा जो एयर हाउस की हाँ इन्वॉल्वमेंट है आपकी। एयर हाउस जो होता है खोजी हाउस होता है, उस खोजता रहता है, ठीक है, जानने की इच्छा क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, सर, इसीलिए गुरु का कोई स्टॉल रोल नहीं है? है। गुरु का रोल क्यों नहीं, बताइए, गुरु का रोल है, चंद्रमा का रोल है, बुद्ध हाँ सर, का रोल है, वही सर, सबका रोल है। गुरु हाँ से ही ज्ञान मिलता है। गुरु तो चाहिए, कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्या हो। याद होगा मैंने पहली क्लास में बोला था, दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया था, एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुरु बनाना पड़ेगा आपको, हाँ सर, ठीक है। छोटा मिल जाए उससे भी सीख लो, बड़ा मिल जाए उससे भी सीख लो, जितना सीखोगे तभी आएगा। सोचो कोई एक गुरु पकड़ लेंगे ना, वो सिखा देगा मेरे को पूरी एस्ट्रोलॉजी, तो मुश्किल है। ये पर्सनल अनुभव है ना, इस फील्ड का यही सच्चाई सच्चाई। क्योंकि क्या है, जिस चीज की शुरुआत नहीं पता और अंत नहीं पता ना, उसमें ही दिक्कत जाती, समझ रहे हैं आप। तो जहां जी सर, अंधेरा अंधकार होता है वहां जी गुरु की सर, आवश्यकता होती है, फिर वही बताएगा बेटा यहाँ से यहाँ चलो, इतना इतना चलो तो ये काम हो जाएगा। सर वही बात है ना, वीडियो और वो हाँ देखने से नहीं आता समझ, जब तक सामने वीडियो देखिए, गुरु। वीडियो, हाँ वीडियो मैं और बता हाँ रहा हूँ, रात को आप सोने के समय मोबाइल अपनी आंख के सामने रखिए, आपकी तेज से तेज नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। ये बस जनरल जी प्रैक्टिकल सर, से, आप नहीं थके बुक खोल के पढ़िए, आपको नींद आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो सही हमारा बात है। वो काम जो हमारे मन को पसंद है और नहीं पसंद है, ये वही फंडा है, ठीक जी है। सर, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, आज अपन वो बेसिक पढ़ेंगे जिस पे केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा बेस है, ठीक है। अपन ने कहाँ तक कर लिया था, L3 L4 हो सर गया था ना, मतलब जी सर, बेसिक बहुत जरूरी है ना, प्रडिक्शन से कुछ नहीं होता है, प्रडिक्शन तभी आएगा जब आपको पता हो कि नमक कितना डालना है और नमक की इंटेंसिटी कितनी होती है, समझ रहे हैं आप। सर आज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर चलिए L3 तक हो गया था ना, चलिए ये कुछ शब्द हैं, इनको भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
पहला शब्द क्या लिखा है? केंद्र, केंद्र केंद्र लिखा है। क्या लिखा है? केंद्र। केंद्र किसको कहते हैं? देखिए सर, बीच के जो चार रहते हैं उनको। हाँ, ये केंद्र, ये दिख रहा है जहां 10 नंबर लिखा है, जहां 1 नंबर लिखा है, जहां 4 नंबर लिखा है और जहां 7 नंबर लिखा है, ये क्या कहलाते हैं? केंद्र। इन शब्दों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये शब्द जब आप आगे पढ़ेंगे तो केंद्र कहीं ना कहीं आएंगे, तो मेरा दायित्व तो है कि मैं आपको बता दूं। मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि आपको पता है। क्लियर। नेक्स्ट है त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है? ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा बनेगा ट्रायंगल। तो जहां 10 लिखा है, 2 लिखा है और 6 लिखा है, ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिकोण मतलब त्रिकोण। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ये हमारी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। क्यों होते हैं? फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, फिफ्थ हाउस क्या है? संगीता मैडम, हाँ, संतान का सर। और क्या हो सकता है? हाँ, हेलो संतान आवाज आ रही है मैडम? संगीता पॉल्यूशन मैडम आ रही है से आवाज? फिफ्थ हाउस क्या होता है? पूर्व। ये जो फिफ्थ हाउस होता है, हाँ, पूर्व पुण्य भाव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर आवाज नहीं आई, आवाज ब्रेक दोबारे अभी। क्लियर, क्लियर आ रही है आवाज? हाँ पूर्व देखिए मैंने कहा पुण्य त्रिकोण, पूर्व त्रिकोण जो होता है वो, पुण्य हाँ, फर्स्ट हाउस होता है, फिफ्थ हाउस होता है, नाइन्थ हाउस होता है। एस्ट्रोलॉजी में या किसी कुंडली में या किसी व्यक्ति के जीवन में पहला हाउस, पांचवा हाउस और नौवा हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? फर्स्ट हाउस आप हैं, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य है, ठीक है, और नाइन्थ हाउस क्या है? आपका भाग्य। नाइन्थ हाउस क्या है? आपका भाग्य। भाग्य। इसी को त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोण शब्द से वाकिफ हो गया, जी सर, जी सर, ठीक है। फिर जी सर, केंद्र समझ गए ना आप? चार जो बीच के होते हैं उसको केंद्र कहते हैं। 159 को क्या कहते हैं? त्रिकोण। अब देखिए मारक स्थान, मारक स्थान क्या होते हैं? मारक स्थान किसको कहते हैं? सेकेंड हाउस को कहते हैं और सेवेंथ हाउस को कहते हैं। ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इनसे जी बस आपको वाकिफ होना है। जब हम केपी में पढ़ेंगे तो मारक स्थान अलग होंगे। केपी में दो स्थान होते हैं, एक मारक होता है और एक बाधक होता है। केपी में क्या होता है? मारक और बाधक। मारक स्थान किसमें कहा जाता है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, जिसमें सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मारक स्थान कहा गया। किंतु केपी एस्ट्रोलॉजी में दो स्थान होते हैं, एक मारक होता है और एक बाधक होता है। मारक मारेगा नहीं, बाधक मारेगा। समझ में आ गई बात? मारक मारता नहीं है, बीमार करता है। सर आज हेलो, आवाज के सर सेकंड और अब सेवन सर जो आज होते आवाज हैं, बहुत ब्रेक हो रही है सर। मेरी हाँ जी सर, कनेक्टिविटी तो सही है, डोंगल सर भी सही चल रहा है, नेटवर्क। अभी तो आ रही है ना क्लियर? हाँ सर, हाँ बीच सर, बीच में रुक रही है सर। सर देखिए इधर तो आ रही है। आपने सर मारक स्थान कौन से बताया आपने? मारक स्थान जो होता है सेकंड हाउस होता है, सेवेंथ हाउस होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। सर वैदिक में होता है वो। हाँ, वैदिक में मारक स्थान सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को कहते हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या होते हैं? दो शब्द होते हैं, एक मारक होता है और एक बाधक होता है। क्या जी होता सर, है? मारक और एक बाधक मारक दोनों। और एक बाधक होता है, ठीक है। मारक मारेगा नहीं, ठीक है, क्या करेगा? बीमार करेगा। क्या करेगा? बीमार करेगा। बीमार बाधक आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो बाधक को ऐसा याद रखेंगे, सर, सर हाँ, बाधक के भी हाउस होते हैं क्या? वो आगे पढ़ेंगे ना, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इन शब्दों का, ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ताकि जब उस समय ये शब्द आए तो आप फैमिलियर रहें। क्लियर है? समझ जी गए? सर, मारे बाधक सर मारेगा। हाँ, बाधक मारेगा, मारक बीमार करेगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है ना तो उसमें ये दो चीज आती है कृष्ण मूर्ति में।
क्लियर हो गया? ये जो होते जी सर, हैं अलग अलग होते हैं अलग अलग राशियों के लिए, ठीक है? तो इसलिए जब अपन आगे पढ़ेंगे तो ये आगे आएगा, ठीक है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिक्स है सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मारक स्थान माना गया है। एपी एस्ट्रोलॉजी में मारक होता है और बाधक होता है, लेकिन ये डिसाइड किससे होता है आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है? ये राशि के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? ये शब्द भी समझ में आ गया आपको? ये जी शब्द सर, आपको पता होना चाहिए, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इन शब्दों से एकदम फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। मैंने केवल वही चीजें उठाई हैं जो कहीं ना कहीं आप कभी भी पढ़ेंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे बुक पढ़ें, आपको ये शब्द आपके सामने आएंगे ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है त्रिक भाव। त्रिक भाव आपको पता है? देखिए छठा भाव, ये बारहवां आठवां भाव और ये बारहवां भाव, इनको क्या कहते हैं? त्रिक भाव। त्रिक प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्या होते हैं? प्रॉब्लमेटिक होते हैं। प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्या होते हैं? प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक हाँ, अब देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहां पर भी बैठेगा वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे तो नोट लिख लें उसको। सिक्स्थ हाउस का मालिक, लॉर्ड शब्द समझ रहे हैं ना? जी सर, हाँ सर, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहां पर भी बैठेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? और केपी एस्ट्रोलॉजी में एट्थ हाउस को प्रॉब्लमेटिक माना गया है, मतलब यदि कहीं आठ नंबर आता है तो ये शो होता है कि उस काम में बाधा आ सकती है, जरूरी नहीं कि आएगी, ठीक है? केपी एस्ट्रोलॉजी में एट्थ हाउस या आठ नंबर जब आएगा तो ये कहेंगे कि उस कार्य में बाधा आ सकती है ना? शब्दों पे ध्यान रखना मेरे, जी सर, क्लियर हो गया? जी सर, ट्रिक भाव, ट्रिक भाव समझ गए ना? छह आठ बारह, ये छठा घर दिख रहा है हाँ जहां तीन नंबर लिखा है, ये आठवां घर दिख रहा है सर, जहां पांच नंबर लिखा, और ये बारहवां घर, ठीक है? बारहवां घर क्या होता है? व्यय का हाउस होता है, ठीक है? एक्सपेंशन, एक्सपेंस जितना भी होता है वो ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है, क्लियर है? नेक्स्ट है उपचया भाव। उपचया भाव किसको कहते हैं? थ्री सिक्स टेन इलेवन, तीसरा घर, छठवां घर। ये राशियां नहीं है ध्यान रखना, घर है। क्या है ये? घर, तीसरा घर, छठवां घर, दसवां घर और बारहवां घर। ये जो हाउसेस होते हैं इनको उपचया भाव कहते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? ये समय के साथ इनके फलों में ग्रोथ होती है। एक लाइन में इसका आंसर है, ये ऐसे भाव हैं जिनके रिजल्ट में समय के साथ ग्रोथ होती है। क्लियर है? समय के साथ क्या होती है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, फल में ग्रोथ होती है। हाँ। थ्री सिक्स टेन इलेवन, थ्री सिक्स टेन इलेवन है ना? थर्ड हाउस ये दिख रहा है जहां बारह नंबर लिखा है, छठवां हाउस जहां तीन नंबर लिखा है, क्लियर है? सर, ये 3, 6, 10, 11 हाउस नंबर बोल रहे हैं। हाउस, हाउस, हाँ हाउस, हाउस थ्री सिक्स टेन इलेवन, ये ऐसे हाउस हैं जिनके रिजल्ट में समय के साथ ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है त्रिषडाया भाव। त्रिषडाया भाव कौन से होते हैं? थ्री सिक्स इलेवन होता है, बस इसमें टेन नहीं रहता। क्लियर है? थ्री सिक्स इलेवन लगा, इसमें टेन नहीं रहता। तो देखिए उपचया में भी थ्री सिक्स इलेवन है, त्रिषडाया में भी थ्री सिक्स इलेवन है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके रिजल्ट में समय के साथ ग्रोथ तो होगी। हाँ सर,
लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होगा? मेजर डिफरेंस ये होगा कि त्रिषडाय भाव जो होते हैं आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों में ग्रोथ करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में ग्रोथ करेंगे। मटेरियलिस्टिक मतलब सर? मटेरियलिस्टिक मतलब जैसे मान लीजिए सेवेंथ हाउस में आ गया, ठीक है, सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, ठीक है, सेवेंथ हाउस शादी से बिजनेस में, कनेक्टेड? नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे सेवेंथ हाउस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का भी है, साथ ही साथ बिजनेस का भी है, ठीक है, तो यदि बिजनेस में ग्रोथ होगी तो क्या होगा, मटेरियलिस्टिक फायदा होगा आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस बिजनेस के लिए आपके पति दूर चले जाए, समझ में आया, अच्छा सर, छोड़ के नहीं गए, दूर चले गए, ठीक है, आपसे कम मिल रहे हैं, परिवार वालों को कम समय दे रहे हैं, लेकिन इनकम तो हो रही है उनको, पैसा तो आ रहा है, आपका परिवार अच्छे से रह रहा है, समझ में आ रही बात, जी सर, पर्सनल मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है, ठीक है, हाँ, लेवल पे हानि करता है। पर्सनल लेवल पे हानि होगी, ठीक है, तो ये शब्दों से वाकिफ हो गए आप, केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, मारक क्या होता है, त्रिक क्या होता है, उपचय क्या होता है, त्रिषडाय क्या होता है, ये बहुत भारी भारी शब्द हैं, लेकिन यदि इसको एक लाइन में समझ लें तो बहुत सिंपल है, अब आप इसको कहीं पे भी रीड करेंगे तो आपको बहुत हल्का लगेगा, हाँ बताइए। सर, आपने अभी कहा कि अगर सेवेंथ इसमें आ जाए, मेरे को ये यहाँ पे थोड़ा नहीं नहीं कंफ्यूजन अभी अभी दिमाग नहीं लगाइए, अभी सिर्फ सुनना है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल दे दीजिए रिजल्ट पे नहीं जाना अभी, हाँ, एग्जांपल। रिजल्ट को एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि यदि आप रिजल्ट पे चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, अभी बस उतना ही सुनना है, उतना ही समझना है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे खट से आपको हर चीज रिकॉल हो जाएंगी, क्लियर है, क्योंकि वो अनुज रिजल्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, नेट बंद है क्या? चेक करना। चलिए क्लियर है ना ये चीज, नेट बंद है क्या? चेक करना। चलिए एक चीज और सुनी होगी आपने, फ्रेंडशिप एनिमी मित्र शत्रु उच्च के और नीच के ग्रह, सुने है हाँ सर, सुना है। ना, तो देखिए ये टेबल है उसकी, मैं आपको भेज दूंगा, इसको याद रखना है अपन, जैसे ये लिखा है सूर्य, ठीक है, एग्जॉल्टेड मतलब क्या होता है, उच्च का, डेबिलिटेटेड मतलब होता है नीच का, उच्च का मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि सन 10 डिग्री मेष राशि में होगा, जब मेष राशि में तो होगा मतलब एक नंबर की राशि में बैठा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उच्च का कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उच्च का कहलाएगा, आपने कुंडली देखी होगी, प्लेनेट के बाजू में उसकी डिग्री लिखी रहती है, ठीक है, प्लेनेट के बाजू में क्या लिखी रहती है, डिग्री, मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है, यदि मान लीजिए सन की डिग्री 10 डिग्री रखी है तो वो क्या है, उच्च का है, सबसे अच्छे रिजल्ट देगा वो, और देखिए एरीज जो है एक नंबर है, याद है आपको, ठीक जी सर। है, और ये क्या लिखा, लिब्रा 7 नंबर, अभी आप प्लैनेट्स की डिग्री बता रहे हैं ना? हाँ नहीं मैं ये बता रहा हूं उच्च का ग्रह कब होता है और नीच का ग्रह कब होता हाँ, क्योंकि सर मेरा नेट चला गया इस बीच में है, ना। हाँ देखिए कोई प्लैनेट उच्च का कब होता है, जब सूर्य जो होगा एक नंबर की राशि मतलब एरीज में या मेष में होगा तो वो उच्च का कहलाएगा, ठीक है, कब कहलाएगा, जब सन की डिग्री कितनी होगी, 10 डिग्री, लिखो नहीं ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अच्छा लिखना नहीं है ना, ये देख लो बस, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्लियर है, जी सर। यही सन यदि 7 नंबर तुला राशि लिब्रा में बैठा है और कितनी डिग्री पे है, 10 डिग्री पे, तो ये क्या कहलाएगा, नीच का कहलाएगा, क्लियर है, जी सर। ऐसे ही मून, सर मून कि, हाँ दूसरे मून किसमें ग्रहों में होता आएगा, जैसे है, यहाँ हाँ एरिस में सन आ रहा है, जैसे सन एरिस में आ रहा है 10 डिग्री पे, हाँ तो उच्च का तो वो कहलाएगा, उच्च का हो गया, और लिब्रा में आ रहा है तो वो नीच का हो हाँ गया। 7 नंबर में आएगा तो नीच का हो जाएगा, और इसी का अगर कोई जस्ट, दूसरी हाँ दूसरी राशियों में हो, टॉरस नहीं या नहीं नहीं उच्च और सिंह, नीच की बात हो रही है बस, बाकी में तो नॉर्मल रहेगा, हाँ हाँ बाकी इसी का में उल्टा देखिए, इसी का उल्टा देखिए, सनी को देखिए, सैटन दिख रहा है, हाँ सर। देखिए सैटन लिब्रा में उच्च का है और एरीज में नीच का है, जस्ट उल्टा हाँ सर, जी सर, हाँ है ना, और डिग्री क्या है यहाँ पे, 20 डिग्री, तो एक नंबर में सन लिखा है मतलब वो उच्च का सन है, ठीक है,
और 7 नंबर में सन लिखा है, मतलब वो कैसा सन है, नीच का है, नीच ठीक का। है, और डिग्री देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट, यदि सैटर्न 7 नंबर की राशि में लिखा है, तुला राशि में लिखा है, तो वो कैसा शनि होगा, उच्च का होगा, ठीक है, और यदि 1 नंबर में लिखा है तो वो नीच का होगा। क्लियर है? चंद्रमा देखिए। हाँ सर जहाँ पे भी सन होगा, जैसे अगर तुला राशि में आया तो वहां पे हाँ डिग्री साथ में होगी कि ये 10 नंबर डिग्री है डिग्री या आप बीस। हाँ सॉफ्टवेयर में डालेंगे ना, डिग्री लिखी हाँ हाँ रहेगी, यदि 10 डिग्री लिखी है तो परम उच्च का है, एकदम अपने अच्छा टॉप पे बैठा है, अच्छे रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। सेम चीज सन का उल्टा सैटर्न होता है, दिख गया, ठीक जी सर। है। सर एक बार मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर, हाँ सन तो तीसरी तीसरी उसमें भी तो आ सकते हैं ना राशियों में। हाँ ना, दूसरी में भी आएगा ना, जब एरीज में आएगा तो तब तब की बात हो रही, उस तब उच्च का हो, नॉर्मल बाकी में रहेगा तो नॉर्मल काउंट करना है। काम करेगा। ओके फिर ठीक है, उसकी डिग्री कोई भी हो सर। हाँ उस समय वो चीज अलग रहेगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सर। ऐसे ही मून में देखिए, ये देख रहा, टॉरस 2 नंबर होता है, मैंने बताया नंबर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि केपी में नंबर ही है सब, ठीक है। और वृश्चिक राशि में क्या होता है, वो नीच का होता है, ठीक है, दिख रहा है ये, जी सर जी देखिए 1 + 6 = 7 दिख रहा है यहाँ, वन सर एरीज 1 है, +6 = 7 क्या हो गया, लिब्रा, देखा। टॉरस 2 नंबर की राशि होती है, +6 करिए 8 नंबर, वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा, दिख अच्छा रहा है जी सर ना, +6 भी यहाँ पे एक फैक्टर रहता है ध्यान रखने के लिए, जैसे हाँ मैंने सर, बताया था ना, अपनी राशि वन के साथ वन जी और 8 वाला बताया था फंडा, है हाँ हाँ सर ना, लॉर्डशिप में जी बताया था ना, क्लियर है। तो जी सर ऐसे ही पूरी टेबल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेबल जो है ये वाली, फ्रेंडशिप न्यूट्रल एंड एनिमी, देखो ये दोनों तो ज्यादा मैटर करे ना करे, आपको ये जरूर ध्यान रखना, शत्रुता, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ हैं ज्यादा ध्यान नहीं देते, कैजुअल रहते हैं, लेकिन यदि आप शत्रु के साथ रहेंगे तो अलर्ट मोड में रहते हैं, ठीक है। तो आपको प्लैनेट के एनिमिटी को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे सन है, सन किसको शत्रु मानता है, ध्यान देना, ये जो प्लैनेट लिखा है इसका मतलब है कि सन का शत्रु कौन है, वीनस है और सैटर्न है। शनि हाँ मतलब जब सन किसके साथ बैठेगा, वीनस के साथ बैठेगा या सैटर्न के साथ बैठेगा, तो वो किसके साथ बैठ गया, अपने शत्रु के साथ, तो उसके फलों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जी है ना, क्योंकि वो डरा रहेगा भाई, यदि आप शत्रु के घर में तो डरे रहेंगे। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई शत्रु नहीं, ठीक है, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका कोई शत्रु नहीं सर, है, मेरी पत्रिका में बैठी हुई सन वीनस और सैटर्न एक साथ। हाँ, तो उसमें सन जो है बोलेंगे कि अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए मून जो, देखिए मून का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन मून को कौन शत्रु मानता है, बुध मानता है, मानते हैं दिख रहा है ना, जी सर मरकरी के आगे देखिए मून लिखा है, ठीक है। वैसे मंगल का शत्रु कौन है, मरक्यूरी, बुध, ठीक है। तो ये टेबल आप इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, क्लियर है, ये हाँ मैं जी डाल सर दूंगा, है ना। जी सर क्लियर हो गया है? जी सर ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप किसी भी पद्धति का अध्ययन करें एस्ट्रोलॉजी में, वो आपको मिलनी ही मिलनी, क्लियर है ये चीज, ठीक जी सर जी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आज अपन वो बेसिक चीज पढ़ते हैं जो केपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, L5। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति जो है नक्षत्र आधारित है, इसको नाड़ी ज्योतिष कहते हैं, क्या कहते हैं, जी नाड़ी ज्योतिष कहते हैं, नक्षत्रों पर आधारित है ये टेबल। आप ये टेबल ही मूल आधार है पूरी एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति, कितने नक्षत्र होते हैं,
सत्ताईस 27 नक्षत्रों, ठीक है। ये देखिए पूरे नाम लिखे हुए, नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन याद रखें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृक्षरा अद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, ठीक है। इनकी लॉर्डशिप इंपॉर्टेंट है, जैसे अश्विनी मघा मूला, ये तीन नक्षत्र ऐसे हैं जिनका लॉर्ड कौन होता है, केतु होता है। कौन होता है? केतु। तो नेक्स्ट है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा, इसका लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। कौन होता है? शुक्र शुक्र, ठीक है। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसी व्यवस्था है कि आप इसको नहीं भी याद करें, केवल लॉर्ड याद रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा, ये धीरे धीरे आता है, 27 में से किसी को नहीं याद होते जल्दी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मंगल के नक्षत्र कौन है, तो मंगल के कौन कौन से हैं, ऐसा पढ़ना है टेबल को, देखिए 5 नंबर 14 नंबर 23, बाजू में आपको ये मंगल दिख जाएगा, ठीक है। ये टेबल ऐसी ठीक लिखी है। हुई है, मृगशिरा चित्रा और घनिष्ठा, ये तीन नक्षत्रों का लॉर्ड कौन है? मंगल, ठीक है। ऐसे ही करके इन 27 नक्षत्रों को 9 ग्रह में बांटा गया है। 9 तिया कितने होते हैं? 27। 9 × 3 क्या होगा? 27 नक्षत्र, ठीक है। हाँ जी सर ये इसको देखते रहना, आपको याद होता रहेगा। चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट आती है कैलकुलेशन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बेस है कृष्णमूर्ति पद्धति का, है ना, पूरी कैलकुलेशन पूरी गणित का बेस है। देखिए सबसे ऊपर लाइन क्या लिखा है, नक्षत्र का क्रम महादशा के क्रम, जो हमारे लाइफ में महादशाएं निकलती हैं 120 साल की, कितने साल की महादशाएं होती हैं, 120 साल। उसका ऑर्डर शुरू कहां से होता है? केतु से होता है। अभी आपने देखा था नक्षत्र में भी सबसे पहले केतु था, हाँ सर, ठीक है। हाँ सबसे पहले किसी भी जातक को महादशा किसकी मिलती है? केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, मंगल की, ठीक है। इसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, केतु शुक्र सर, ये सबके सूर्य। साथ ही ऐसा होता है? हाँ मैं बता रहा हूं ना अभी, देखिए केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये ऑर्डर फिक्स है। क्या है? फिक्स है, से ठीक है। केतु की महादशा कितने वर्ष की होगी? 7 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? सात। वर्ष सबसे ज्यादा किसकी महादशा होती है? शुक्र की होती है। कितने ईयर की होती है? 20 साल 20 साल की होती है, ठीक है। फिल्म स्टार को यदि ये महादशा मिल जाए तो उसका करियर चमक जाता है। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य की सबसे कम होती है, कितने साल की होती है? 6 वर्ष। साल फिर चंद्रमा की 10, मंगल की 7, राहु। अब यहां से देखो बड़ी बड़ी महादशाएं शुरू हो जाती है, 18 साल राहु, 16 साल गुरु, शनि 19 साल, और ठीक बुध 17 साल। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऋषि मुनियों का ये मानना है कि आपके जीवन का क्रम होता है, क्या होता है? क्रम होता है, ठीक है। जब आपकी पत्रिका बनती है तो स्टार्ट जहां से आपको मिलता है वो आपका ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ सूर्य, आपको जब जन्म हुआ या आपने कुंडली बनाई तो आपकी महादशा सूर्य से प्रारंभ हुई, ठीक है। जी इसका सर, मतलब है इसके पहले तक आप कहां तक जी के आ चुके हैं? शुक्र तक, समझ गए। इसके बाद आपकी अच्छा मृत्यु हो गई है, इसीलिए आपको अगली महादशा कौन सी मिली है? सूर्य की मिली, क्योंकि ऐसा मानना है कि जीवन का चक्र बोलते हैं ना, चलता रहता है, इसलिए महादशा का चक्र बनाया गया। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या हमारी सनातन धर्म क्या मानता है, कोई मरता थोड़ी है, एक योनि से दूसरी योनि या एक जीवन से दूसरी जीवन में चला जाता है, इसीलिए ये महादशा का चक्र बनाया गया। जब आप कुंडली देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है भुक्ति, है ना, क्या भोग चुके हैं आप, क्या भोगेंगे, ठीक है। उसके ऑर्डर से ही आपकी महादशा शुरू हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपको मंगल की महादशा मिली, मतलब इसके पूर्व जन्म में आपने ये सारा साइकिल पूरा कर लिया, ठीक है, इसलिए आपकी स्टार्टिंग मंगल से हुई। अब मंगल से क्यों हुई उसका कारण आगे बताएंगे। किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया, चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में था, इस आधार पे आपको महादशा का क्रम मिलता है। चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है नक्षत्र थ्योरी में, ठीक है। और केपी कृष्णमूर्ति जो है नक्षत्र थ्योरी, चंद्रमा एक ऐसा है जो आपको ही, चंद्रमा ही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी महादशा मिलेगी, ठीक है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं यहीं से आपकी सारी कहानी शुरू होती है।
आपको कौन सी महादशा मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या टाइमिंग होगी, सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। तो ये क्लियर है महादशा का क्रम, ठीक जी सर। हाँ सर। है? इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, इन नंबर्स को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव या मैथमेटिक्स पार्ट पे। अब देखिए, हमने राशि शब्द सुना है ना, जी सर। है ना? तो राशि को कितने डिग्री में बांटा गया है? 360 डिग्री में, ठीक है? हर चीज गोल है, कोई भी गोल चीज होती है तो उसमें कितने अंश होते हैं? 360 अंश होते हैं, ठीक है? तो राशि या जोड़ियाक को क्या माना गया है? 360 डिग्री का माना गया, ठीक है? अब राशियां कितनी होती हैं? 12। 12। तो 360 डिग्री को यदि 12 भागों में बांटेंगे तो एक राशि को कितनी डिग्री मिलेगी? 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? जी सर। मतलब एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। क्लियर है? कोई जी सर। डाउट? नो सर। देखिए ये राशि दिख रही है, कौन सी राशि है? मकर राशि सर। दस्ती नहीं, मकर राशि। मकर है? राशि ये लाइन मकर। दिख रही है, ये लाइन, जी सर। और ये लाइन दिख रही है आपको? जी सर। ये पूरा एरिया कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। मतलब एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री सर। ये चीज क्लियर है? जी यही सर। 30 30 30 जब 12 से गुणा हो जाएगा तो 360 डिग्री का चक्र पूरा हो जाएगा। क्लियर? जी सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है? कृष्णमूर्ति जो थे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, स्टूडेंट भी थे, इसीलिए उनने पूरी गणित लगाई हुई है इसमें, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई? एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। सत्ताईस। अभी हमने देखा नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27, ठीक है? तो जब हम 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि एक नक्षत्र कितने डिग्री का। सत्ताईस जैसे हमने 360 डिग्री को जब 12 राशियों से डिवाइड किया, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो डिग्री हमें पता चला कि एक राशि कितने डिग्री की है? 30 डिग्री। में। उसी प्रकार से हमारे पास टोटल नक्षत्र कितने हैं? 27। कितने नक्षत्र हैं? 27। सत्ताईस। तो हमें पता करना है कि एक नक्षत्र कितने डिग्री का होगा, तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर देंगे? 27 से। तो सत्ताईस। हमें पता चलता है कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसको मिनट कहते हैं, ठीक है? इसे मैं भेज दूंगा, बस इसको समझ लीजिए, है ना? कोई डाउट हो जी तो तत्काल बोले, ठीक? नहीं सर। आगे सर। क्योंकि ये कोई बहुत बड़े गुरु की क्लास नहीं चल रही कि आप बोल नहीं सकते, ठीक है? नहीं सर। बड़े गुरु है तो भी पूछना जरूरी है, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं, बड़े बड़े टीचर से आप पढ़ोगे तो म्यूट ही रह जाते हो, दो दो घंटे, डेढ़ डेढ़ ये घंटे, बात। हाँ सही बात नंबर ही सर। नहीं आता। इसीलिए नंबर मैं नहीं कह रहा हूँ आता। अच्छा मौका है, जहां चाहे ये पूछ सकते हैं आप। बात सही है सर। तो ये क्लियर हो गया ना? एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री ये एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे, सर। ठीक है? 13 डिग्री मतलब 20 मिनट, या 13 डिग्री और 20 मिनट का। 13 डिग्री 20 मिनट। जैसे मैंने 1 घंटा 30 मिनट तो 1.5 घंटे हो गए ना, ठीक है सर। वैसे ही 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है? 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। क्लियर? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर। हाँ, चलिए ये देखिए। अब लिखा है, हमने क्या किया, नक्षत्र का डिग्री तो पता कर लिया। अब देखना 27 नक्षत्र हैं और 12 क्या है, राशियां हैं। तो राशियां। यदि इन 12 राशियों में इन 27 नक्षत्रों को बांटेंगे तो एक राशि में कितना नक्षत्र आए, तो 27/12 कर देंगे। जैसे हमने देखा कि पूरी राशियां जो होती हैं वो 360 डिग्री की होती, हमें पता करना था कि एक राशि कितने डिग्री की, तो हमें मालूम है टोटल 12 होती, 12 से डिवाइड कर दो। वैसे हमें पता करना है कि एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, तो हमने क्या किया, 27 नक्षत्रों को 12 से डिवाइड कर दिया। 12 बराबर भागों में बांट देंगे तो पता चल जाएगा एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। तो हमने देखा कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं, सवाल ठीक है? कैसे होते हैं मैं ये नीचे बता रहा हूं, देखिए इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया। 1 + 1 + 1/2 मतलब 1/4, ठीक है? क्लियर है ये चीज, जी सर। है ना? तो कितने नक्षत्र हैं? एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र और 1/4 नक्षत्र, ठीक है?
अब देखिए, अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है? कैसे? एक नक्षत्र यहां देखिए कितने डिग्री का होता है, डिग्री 13 डिग्री और बीस बीस मिनट मिनट ये बीस देखिए, एक बीस नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, ये दूसरा वाला नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट, है ना? बीस मिनट और ये 1/4 है, तो 1/4 कितना होगा, 3 डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट अब आप इसको ऐड करिए, 13 दूनी 26, 27, 28, 29, हो गया 29, हो गया 29, 29 हो गया ना? हाँ जी अब सर देखिए ये 20 मिनट, 20 मिनट क्या हो गया, हाँ सर 40 मिनट, तीस और ये तीस 20 मिनट कितने हो गए, 60 मिनट, और 60 मिनट का क्या होता है, 1 डिग्री एक होता है, डिग्री तो तीस 29 + 1 कितने डिग्री हो गए, 30 डिग्री, सही और 30 डिग्री की ही एक राशि होती। जी सर तो हमने देख लिया कि एक राशि जो 30 डिग्री की होती है उसमें कितने नक्षत्र होते हैं, 1.25 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र और ये कन्फर्म हो गया ना, 30 डिग्री में हमने इक्वल विभाजन कर दिया। तो जी सर ये मैथ समझ में आ गई, बहुत जी ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान है, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है, कोई डाउट? नहीं सर हाँ, क्लियर क्योंकि आज मैं ज्यादा इसीलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैथ्स है ना, इसको जब तक आप रिपीट करेंगे तब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब यहां तक क्लियर है? जी सर अब देखिए, राशि की डिग्री हो गई, राशि में नक्षत्र हो गया, नक्षत्र में डिग्री हो गई, अब आता है चरण। क्या आता है? चरण, नेक्स्ट वर्ड है चरण। तो एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, लिख लीजिएगा, 4 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, चार चरण 4 चरण, ठीक है? इसके बाजू में जो लिखा है ना, एक नक्षत्र, ये दिख रहा है, जी सर चरण ये नक्षत्र नहीं, ये चरण है ना, इसको सुधार लीजिएगा। डिग्री एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट का, ठीक है? अब देखिए, इसको देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, ये नक्षत्र है, ठीक है? इसमें 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, अभी हमने ऊपर देखा था। इसके 4 चरण होते हैं, चारों चरण कितने कितने डिग्री के होंगे, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, और 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है? कैसे, ये दिख रहा है ना आपको, इक्वल डिवाइड किया 4 चरणों में, इसको जब आप टोटल करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। करके बताऊं कि समझ गए हैं? तीन आ गए समझ में सर आगे समझ तीन छ तीन नौ बारह और वो मिनट को हैं, किया तो तीन एक चौके 12 हो एक जी सर गया, 12, तेरह और ये मिनट और बीस बीस तिया 60, 13 हो तेरह गया, और ये डिग्री 20 बच गया, ये लिखा 20। जी सर जी क्लियर है? तो हाँ जो सर हाँ एक सर नक्षत्र होता है उसमें कितने चरण होते हैं, चार चरण चार होते हैं चार चरण, और एक चरण कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट ठीक है? क्लियर हो गया ये? जी सर यही सब लॉर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? सब लॉर्ड। यही सब कृष्णा मूर्ति पद्धति में आपने सुना ना, सब लॉर्ड, यही डिवीजन सब लॉर्ड है। क्लियर है ये? जी सर तो हमने देखा कि एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, चार 27 नक्षत्र से नहीं, राशि में, राशि में एक राशि में चार सवा दो नक्षत्र नक्षत्र, सवा दो, दो सवा दो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ठीक है? अच्छे जी से ध्यान रखिए, एक राशि में 1.25 नक्षत्र होते हैं। जी एक सर नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, चार एक चरण नक्षत्र में 4 चरण 4 चरण, है चार ना? तो ये यहां पे देखना, जहां मेरा कर्सर है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है, 4 दूनी कितना हो गया, 8, है अच्छा ना? और ये 2.25 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जाएगा, ये जी 2.25 जो है ना, 2.25 मतलब 1/4 होता है, हाँ 1/4 × 4 करेंगे तो 1 बन जाएगा, हाँ सर तो 4 दूनी 8 और 1 ये 9, कितने हो गए, 9 चरण। नहीं मतलब हमने ये जाना कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। कितने जी सर चरण होते हैं, 9 चरण, चरण ठीक है? क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, 2.25,
तो 2.25 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा जी सर। क्लियर है? जी सर, यही थ्योरी है पूरी, ये बेस है कृष्णमूर्ति जी का, है ना। उन्होंने कहा ये जो सूर्य लग्न में लिखा है वो सबको एक जैसे परिणाम नहीं दे सकता। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सूर्य लग्न में दिख रहा है उसके कितने भाग बनाए, कर्सर देखिए कितने भाग बनाए, 9 भाग, 9 चरण, 9 चरण, मतलब 9 भाग किए उन्होंने कृष्णमूर्ति जी। ये दिख रहा है एक राशि, एक राशि में कितने चरण है, 9 चरण है, मतलब उन्होंने एक राशि के कितने हिस्से किए, 9 हिस्से किए, है ना। अब चरण से नीचे की कोई इकाई तो लिखी नहीं हमने, नहीं लिखी ना, मतलब उन्होंने कहा कि एक राशि 9 भागों में बटी हुई है, यही 9 भाग सबलॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सबलॉट सबलॉट। कहलाते। क्लियर? और फिर एक एक को फिर उन्होंने 9 9 भागों में बांटा, वो सब सबलॉट कहलाते हैं। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इतनी केमिस्ट्री समझ में आई आपको, जी सर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है। ये कंक्लूजन लिखा हुआ देखिए, ये कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। एक राशि में 9 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, 2.25। 2 नक्षत्र। क्लियर है? अब देखो यहाँ गणित है, एक राशि में 9 चरण, एक चरण मैंने बताया था ना 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट में जब 9 का गुणा गुणा करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। और एक राशि कितने डिग्री की होती, 30 डिग्री, मतलब उन्होंने 30 डिग्री को उठाकर 3 डिग्री 20 मिनट के 9 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब आप मान लीजिए सन आपका 13 डिग्री पे बैठा है और सन आपका 22 डिग्री पे बैठा है, तो बहुत अंतर आ जाएगा। उस 9वें हिस्से में कौन से हिस्से में बैठा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो फल देगा। ठीक है, उनका डाउट क्या था, जुड़वा बच्चे, एक ही समय में शादी होना, एक ही समय में बच्चे होना, है ना, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो वो ये डिग्री का खेल है। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आ गई, ये कंक्लूजन है पूरे कृष्णमूर्ति जी के। कंक्लूजन में एक बार लिखेंगे तो आ जाएगा ज्यादा डिटेल। नहीं, हाँ ये मैं भेज दूंगा ना, इसको आप देखना, हाँ सर, कैलकुलेट करना, हाँ सर, बस आपको थोड़ा जोड़ के सा, देखना है ना, हाँ जोड़ना है हाँ ना। जोड़ना कैसे है कि राशि राशि एक राशि 30 डिग्री की होती, कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, डिग्री हाँ 30 डिग्री 30 डिग्री की होती है, उसके 9 हिस्से बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि एक राशि में उन्होंने देखा कि 2.25 नक्षत्र होते हैं, फिर उन्होंने देखा कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो उन्होंने 2.25 में 4 का गुणा कर दिया, तो उन्होंने देखा 9 चरण आ रहे हैं, मतलब एक राशि को 9 भागों में बांटा जा सकता है और हर एक भाग जो होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। ठीक है, उसी को उन्होंने क्या दिया, नाम दिया सबलॉट। ठीक है, क्लियर है ये, जी सर, ठीक है। तो ये पहला बेसिक है, अब मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, फिर एक और मैथ्स है, इतनी मैथ्स के आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, आप बताइए, सर या मेरे कल ख्याल करेंगे। से कल ही करें सर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा फिक्स हाँ, क्योंकि अभी भी हो मैथ्स है जाएगा। आगे, हाँ इसीलिए इसीलिए इसलिए पूछ रहा हूँ। ये देखिए नेक्स्ट टेबल जो है उसी के बेस पे बनी हुई है, ठीक है, वो जो आपने ऊपर देखा है ना उसी का कंक्लूजन। अब ये गणित ज्यादा हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ वही सर, फिर हाँ मिक्स हो जाएगा सारा। हाँ तो जी इसलिए अपन इसको कल करें तो ज्यादा बेटर रहे। जी जी सर, ठीक है, इसमें कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कल सर इसका एक यही रिवीजन, बेस है। हाँ जी सर, कल इसका एक रिवीजन हो जाए सर क्लास में फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बेस है। ठीक जी है, यही गणित है कृष्णमूर्ति जी। आगे जितने सवाल है ना, जितने इवेंट होंगे, सब इसी पे बेस्ड रहेंगे। जुड़वा बच्चा होगा कि नहीं होगा, जुड़वा होगा तो क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की, ये सब डिग्री पे डिपेंडेंट। ये जो अपन नौ सर, भाग इससे किए ना यही 100% बताएंगे। रिजल्ट आता है, हाँ मतलब 100% मेरे आता है, को आप और आपकी कुंडली सही है तो 100% रिजल्ट आता है। आप मतलब समझ गए, प्रोडक्शन देने वाला हाँ है ना, और सामने वाली की कुंडली सही है तो 101% प्रोडक्शन सही आएगा। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का मिरेकल। ठीक है, अभी अपन जब इवेंट करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है,
जी सर कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। बस सर हाँ